Pakistan, Pakistan Murdabad. Murdabad, Murdabad, Pakistan Murdabad. Murdabad, Murdabad, Pakistan Murdabad. Murdabad, Murdabad, Pakistan Murdabad. Murdabad, Zindabad, Zindabad, Zindabad. गुलबर्गा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन वुमेन विंग से मैं सैयदा राबिया शिकारी, मैं तमाम बहनों का जो आज यहाँ पर जमा हुए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और इन लोग ये सब यहाँ पर आके अपने दुख का इजहार करें, जो शहीद सरहद पर जो जवान शहीद हुए हैं उन लोगों, वो किसी का बेटा है और किसी का शौहर है, किसी का बाप है। एक माँ से पूछो औलाद क्या होती है, एक बीवी से पूछो शौहर क्या होता है, एक औलाद से पूछो कि बाप क्या होता है। आज सरहद पे उन्होंने जो शहादत दिए हैं उन तमाम लोगों को, हम वो शहीदों को हम सलाम करते हैं, हमारा सलूट करते हैं। एक मेरी गुजारिश हुकूमत से है कि हुकूमत तो इसको नज़रअंदाज ना करे, ईंट का जवाब पत्थर से दे। हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानियाँ इतने कमज़ोर नहीं हैं कि मार खा के चुप बैठेंगे। हुकूमत से मेरी अदबन गुजारिश है कि इसके ऊपर नज़रअंदाज ना करे, ईंट का जवाब पत्थर से दे। कश्मीर में 50 हमारे शहीद हुए, उन औरतों से, उन बच्चों से, उन मेरे मावों से मेरी गुजारिश है, एक आवाज दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, ना हिंदू ना मुसलमान, वो हमारे लिए शहीद हुए, हम तुम्हारा साथ देते। मेरे माँ, मेरे बहनों, एक आवाज दो, हर औरत एक एक तुम्हारा साथ देंगी, घर से आएंगी तुम हमारे लिए। और हिंदुस्तान की हुकूमत से हमारी इल्तजा है, मोदी सरकार कुछ करो, आप चुप मत बैठो, आवाज दो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। औरतों को बुलाओ, हम औरतें आएंगे, हम जवाब देंगे, सरहद पर बुलाओ हम आएंगे। ये सब के लिए हम श्रद्धांजलि देते, अल्लाह इनको जजाए खैर दे, इनके आत्मा को शांति दे। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, जय हिंद, जय कर्नाटका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। मुस्लिम एसोसिएशन वुमेन्स की तरफ से हम लोग यहाँ पर इस जमा हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर हमारे भाई लोग आर्मी जो शहीद हुए हैं, इसी के लिए ये हम वुमेन्स की तरफ से आज जमा हो के उनके लिए हम और गम के इसमें ढाए गए हैं। उनके लिए हम लोग सब मिल के दुआ करते हैं कि उन्हें शहीद हुए हैं और हमारी हुकूमत जो भी है हिंदुस्तान की हुकूमत उनका फैसला बराबर करना चाहिए। जो आर्मी भाई हमारे शहीद हुए हैं उनका फैसला हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत करेगी, क्योंकि आजकल के ये दौर में ये लोग जो हमारे लिए शहीद हुए हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं हुए, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए बचाव के लिए कश्मीर में जो हमारे हुए हैं शहीद भाई, उनके लिए आप हमारे हुकूमत जो भी सरकार है हमारी हिंदुस्तानी सरकार से रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि हमारे भाई लोग आज शहीद हुए हैं, उनके घर में क्या मातम है, क्या है, देखिए आज हमारे देख के उनके खून के आंसू दिख रहे हैं। तो पहले हमारे हुकूमत जो चल रही है यहाँ पर, वो हुकूमतों से मैं और रिक्वेस्ट करती हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे आर्मी भाइयों को जो हमारा फैसला दें और जल्द से जल्द फैसला दें, इसका जवाब बहुत जल्द होना चाहिए।